ग्रामीण पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। 20 सितंबर को मैदनी नगर शहर थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचमहान चौक के समीप मुरारी ज्वेलर्स में 5 अपराधियों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका उद्भेदन पलामू पुलिस ने कर लिया। वही घटना में संलिप्त 5 अपराधियों में से 4 अपराधियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। अनिल राममोनू सोनी, राजेंद्र सोनी, गोलू सोनी को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 2,87,000 रुपये नगद राशि, 1 किलो चांदी का सिल्ली, 1 पल्सर बाइक बरामद किया है। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। बताया कि अपराधियों के द्वारा पहले लूट की एरिया में रेकी के काम किया गया, उसके बाद लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें स्थानीय अपराधी के साथ साथ बिहार के औरंगाबाद के अपराधी शामिल थे। फोटो वाला भी काम करके फटाफट करा के खत्म करा देते। मुरारी ज्वेलर्स में हमारे यहाँ लूट की घटना घटी थी। इस घटना को हम लोगों ने इसमें एक दृश्य रूप आया है, जिसमें 4 अपराधकर्मी जो इस लूट में शामिल थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 4 अपराधकर्मी के साथ साथ करीब 2,87,000 रुपये, 1 किलो से ज़्यादा सोन चांदी, जो घटना में प्रयुक्त लूट की घटना में जो प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी वो भी हम लोगों ने रिकवर किया, साथ में कुछ मोबाइल्स भी हम लोगों ने। घटना को सुनियोजित प्लानिंग के तहत कार्य किया गया है। करीब 1 वर्ष पूर्व से इसके लिए वो लोग कोशिश कर रहे थे, उनका अपना प्लान था। लोग वहाँ करके रुके थे, करीब 2 महीना वहाँ करके रुक करके उन्होंने इस जगह को रेकी किया था और फाइनली ये लोग लूट की घटना को अंजाम दिया।